हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय अमन ठाकुर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, एटार्ड रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारे पास बेंज एल्डिहाइड की प्रिपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। आज के लेक्चर में इस पूरे रिएक्शन को समझेंगे, इस रिएक्शन की खास खास बातें क्या हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनको चीज़ों को समझेंगे, प्लस इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को पूरे बेसिक से समझेंगे, पूरी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को समझेंगे, ताकि पूरा का पूरा रिएक्शन आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। अब मैं बात कर रहा हूं एटार्ड रिएक्शन की। अगर मुझे एटार्ड रिएक्शन को डिफाइन करना हो आपके सामने, एटार्ड रिएक्शन को डिफाइन करना हो, तो मैं क्या कहूंगा, मैं आपसे कहूंगा जी ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें मैंने टोलुइन की रिएक्शन करवाई पहले क्रोमिल क्लोराइड से, टोलुइन की रिएक्शन करवाई क्रोमिल क्लोराइड से, सॉल्वेंट मैंने यूज किया कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड, दोनों के दोनों ही नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं, दोनों के दोनों ही। मतलब क्या है, इस रिएक्शन को करवाने के लिए मैंने नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज किया। नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करने के बाद पहले मेरे पास इंटरमीडिएट बनता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, उस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की जब मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाता हूँ, H3O पॉजिटिव एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब मैं उस क्रोमियम क्लोराइड की क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की करवाता हूँ, तो मुझे मिलता है बेंजल्डिहाइड। ये था मेरे पास रिएक्शन। अब इस रिएक्शन की खास बातें क्या है, जो हमें पता होनी चाहिए, जो हमें समझ आनी चाहिए कि इस रिएक्शन की खास बातें क्या है। पहली चीज, CH3 से बना है CHO, मतलब मिथाइल ग्रुप की हुई है ऑक्सीडेशन, H3 की जगह लगा है ऑक्सीजन। यहाँ पे इस रिएक्शन का क्या मतलब हुआ, इसमें मिथाइल ग्रुप की हुई ऑक्सीडेशन। तो एटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, एटार्ड रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होती है। सिंपल बात, पहली बात हमें समझ आ गई, एटार्ड रिएक्शन में मिथाइल ग्रुप की जगह CHO ग्रुप लगा, ऑक्सीजन ऐड हुई, तो इस रिएक्शन को एटार्ड रिएक्शन में प्रोसेस कौन सी हुई, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब दूसरी बात जो हमें पता होनी चाहिए कि ये जो क्रोमियम क्लोराइड है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की दो बातें होती हैं, अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करें, जैसे KMnO4 यूज़ करें, अगर इस रिएक्शन में हम KMnO4 यूज़ करें तो CH3 से CHO नहीं बनेगा, रिएक्शन चला जाएगा COOH तक। KMnO4 की प्रेजेंस में ये बेंजोइक एसिड तक चला जाएगा, पर हमें चाहिए CHO, तो इसलिए हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ करते हैं, और इसमें हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से ही, जो क्रोमिल क्लोराइड मेरी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको यूज़ करने की वजह से ही, अगर सपोज मेरे पास एक बेंजीन रिंग है उसमें लगा है CH3, पर उसमें एक से ज़्यादा CH3 ग्रुप लगे हैं, तो भी अगर मैं इस रिएक्शन को एटार्ड रिएक्शन से प्रोसीड करूं, तो भी मुझे, आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि तीनों के तीनों मिथाइल ग्रुप पे ऑक्सीडेशन नहीं होगी, इनमें से किसी एक मिथाइल ग्रुप की कन्वर्जन होगी CHO में, बाकी CH3 एज इट इज़ रहेंगे। ये इतना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मेरे पास क्रोमिल क्लोराइड, मतलब मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें सिर्फ एक जगह पे CH3 कन्वर्ट होगा CHO में, बाकी मिथाइल ग्रुप एज इट इज़ रहेंगे। तो अगर मेरे पास क्वेश्चन में, अगर एक से ज़्यादा मिथाइल ग्रुप भी दे रखे हों, और उसमें भी एटार्ड रिएक्शन लगाएं हम, तो भी सिर्फ आप एक मिथाइल ग्रुप को कन्वर्ट करेंगे CHO में, सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप की ऑक्सीडेशन होगी मिथाइल से एल्डिहाइड में, सिर्फ एक की CH3 से CHO में। ये थी इस रिएक्शन की खास खास बातें क्या थी, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस चलता है, इसमें प्रोसेस कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन होती है। और दूसरी क्या थी, क्रोमिल क्लोराइड यूज़ करते हैं जो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग होता तो CHO की जगह COOH मिलता, जैसे KMnO4 मेरे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर वो यूज़ नहीं किया, माइल्ड यूज़ किया, इसलिए यहाँ CHO तक ऑक्सीडेशन रुक गई। और दूसरी बात क्या है,
अगर एक से ज्यादा भी मिथाइल ग्रुप लगे हो, एक से ज्यादा भी मिथाइल ग्रुप लगे हो और इटार्ड रिएक्शन में, तब भी वो सिर्फ एक सी एच थ्री ग्रुप को सी एच ओ में कन्वर्ट करेगा। यहां तक रिएक्शन की बात खत्म, रिएक्शन की मेन मुद्दे की बात खत्म। अब आते हैं इसके मेन मुद्दा जो है मैकेनिज्म को समझते हैं, मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं, मैकेनिज्म किस तरह चलता है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए बच्चों अब इसके मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं, मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं, मैकेनिज्म किस तरह से चलता है इस इटार्ड रिएक्शन का। अब देखिए ये है मेरे पास क्रोमियम क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड और ये है मेरे पास टॉल्यूइन, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में आपको एक चीज़ याद रखनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस मैकेनिज्म में, इस रिएक्शन में चार होमोलिटिक फ्यूजन होती हैं, दो सी एच के बॉन्ड के बीच में और दो सी आर ओ के बॉन्ड के बीच में। उसको समझते हैं किस तरह से। पहली बात तो समझते हैं होमोलिटिक फ्यूजन होती क्या है, होमोलिटिक फ्यूजन हम किस चीज़ को कहते हैं। होमोलिटिक फ्यूजन बच्चों हम उस बॉन्ड की ब्रेकेज को कहते हैं जिसमें, समझिए एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, फ्यूजन मतलब टूटना, बॉन्ड का टूटना, और होमोलिटिक मतलब बराबर टूटना, बॉन्ड के बराबर टूटने का मतलब क्या है कि एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो अपने अपने हिस्से का इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड टूट जाए, तो इस रिएक्शन में कितनी होमोलिटिक फ्यूजन है, चार बॉन्ड टूटे हैं, होमोलिटिक फ्यूजन हुई है चार बॉन्ड में, दो सी एच के बीच के बॉन्ड की और दो सी आर ओ के बीच के बॉन्ड की। अब समझिए कैसे, ये मेरे पास सी एच का बॉन्ड है, सी एच के बॉन्ड की एक ये पहली होमोलिटिक फ्यूजन हुई, यहाँ पे पहली होमोलिटिक फ्यूजन हुई, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चले गए, ठीक है। दूसरी हुई मेरे पास एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, यहाँ से बॉन्ड टूटा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके वापस, ठीक है। दो होमोलिटिक फ्यूजन होगी यहाँ पे, दो सी आर ओ के बीच के बॉन्ड की, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया, मेरे पास यहाँ पे भी टूट गया बॉन्ड, सिमिलरली एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, यहाँ पे भी होमोलिटिक फ्यूजन। अब क्या हुआ, सिमिलरली यहाँ पे भी है जो क्रोमिल क्लोराइड है वो एक से ज्यादा भी हो सकता है, क्रोमिल क्लोराइड तो एक से ज्यादा भी होंगे, हमें एक्सेस में यूज किया हुआ है। यहां पे भी अगर मैं उसकी होमोलिटिक फ्यूजन दिखाऊं, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, अब इसको अच्छे से समझते हैं बच्चों, यहां पे मेरे पास चार बॉन्ड टूट चुके हैं। अब यहां पे देखिए कंडीशन क्या बनी हुई है, अब इस कंडीशन को समझिए, कार्बन के साथ जो दो हाइड्रोजन उनके बॉन्ड तो टूट चुके हैं, अब कार्बन के पास सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन बचे हैं, अपने जो रिएक्शन में उसके दो इलेक्ट्रॉन थे अपने वो बचे हुए हैं, बाकी जो हाइड्रोजन साथ बॉन्ड है वो तो टूट चुका है। यहां पे ऑक्सीजन के जो दो डबल बॉन्ड थे वो भी टूट चुके हैं, दोनों ही टूट चुके हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड से क्रोमियम के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। पर अब इन्हें अपनी वैलेंसी भी तो पूरी करनी है, इन सारे एटम्स को अपनी वैलेंसी भी तो पूरी करनी है। अब देखिए वैलेंसी किस तरह से पूरी होगी, समझिए ऑक्सीजन और इसके बीच में बनेगा बॉन्ड, ऑक्सीजन का एक अपना इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन, यहां बनेगा एक बॉन्ड, ठीक है, इस हाइड्रोजन से बन गया बॉन्ड, इस ऑक्सीजन का भी इस हाइड्रोजन से बनेगा बॉन्ड। या हाइड्रोजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन है, बन गया बॉन्ड। अब समझिए जो कार्बन है, कार्बन ने भी तो दो बॉन्ड तोड़े हैं, दो इलेक्ट्रॉन उसके पास भी बचे हुए शेयर करने के लिए, तो यहां से जो ये बॉन्ड टूटा हुआ है दूसरा वाला ऑक्सीजन जो है क्रोमियम का, यहां पे भी तो बॉन्ड टूटा हुआ है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ये कार्बन के साथ जुड़ के बनाएगा बॉन्ड। और सिमिलरली ये वाला ऑक्सीजन इस वाले कार्बन से जुड़ के बनाएगा बॉन्ड, ये वाला कार्बन इस वाले ऑक्सीजन से जुड़ के बनाएगा बॉन्ड। समझिए इस चीज को, आप समझिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बना और इस ऑक्सीजन का कार्बन के साथ बना, इस ऑक्सीजन का कार्बन के साथ बना, तो अल्टीमेटली सिचुएशन मेरे पास क्या आ गई, समझिए ये मेरे पास कार्बन है, ये एक हाइड्रोजन एज इट इज लगा हुआ है, यहां पे ये कार्बन किसके साथ जुड़ा, ये कार्बन जुड़ा ऑक्सीजन के साथ, ये कार्बन जुड़ा इस ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के आगे लगा है क्रोमियम, बात समझ आ रही, इस ऑक्सीजन के आगे लगा है क्रोमियम, क्रोमियम के साथ लगा है ऑक्सीजन जो जुड़ गया था हाइड्रोजन के साथ, OH बन गया और Cl2 मेरे पास एज इट इज। सिमिलरली दूसरा कार्बन भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, उसके आगे जुड़ी है क्रोमियम, क्रोमियम जुड़ी है OH से और आगे है मेरे पास Cl2 और ये मेरे पास बन गया क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, यहां तक बात क्लियर,
क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मेरे पास आ गया। ये यहाँ तक बात हमारी सिंपल और क्लियर। तो अब मेरे पास बना है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ से अगला जो खेला शुरू होगा बच्चों, अब अगला इलेक्ट्रॉन का खेल यहाँ से शुरू होगा। ये मेरे पास आ गया क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स, जो इस रिएक्शन में बना क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स। अब आगे समझते हैं आगे इसके बाद क्या होगा। अब मैंने कहा एसिडिक हाइड्रोलिसिस होनी है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस होनी है, मतलब एच पॉजिटिव की रिएक्शन होगी और मेरे पास ओ एच नेगेटिव होंगे। एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव, हाइड्रोलिसिस का मतलब यही है, एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव, एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव, हाइड्रोलिसिस सिंपल यही है। अब क्योंकि ये एसिडिक है, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, एसिड की प्रेजेंस में वाटर है, तो एच पॉजिटिव ज्यादा होंगे, एच पॉजिटिव ज्यादा होंगे, तो एच पॉजिटिव जो ज्यादा होंगे, एच पॉजिटिव जो ज्यादा होंगे, मुझे पता है इनका नेचर कैसा होता है। अब रिएक्शन के मैकेनिज्म जब भी बात करते हैं तो मुझे पता है जो अटैकिंग रिएजेंट है उनका नेचर मुझे पता है। एच पॉजिटिव एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, एच पॉजिटिव एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब इसको पूरे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखेंगे, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स के अंदर इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखेंगे, तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स के अंदर इसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, हमें पता है बच्चों कहाँ पे, ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इस पे करेगा अटैक या नीचे वाले पे करेगा, करेगा ऑक्सीजन पे ही, करेगा ऑक्सीजन पे ही अटैक। तो सपोज इसने ऑक्सीजन पे अटैक, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया एच पॉजिटिव ने, एसिडिक था इसलिए एच पॉजिटिव ज्यादा था, इलेक्ट्रोफाइल था, उसने अटैक कर दिया ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पे, ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। अब तो यहां से जैसे ही इसने अटैक किया, खेला शुरू इलेक्ट्रॉन का खेला शुरू, जैसे ही इसने अटैक किया इलेक्ट्रॉन का खेला शुरू, यहाँ पे मेरे पास सी एच, अब क्या हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, समझिए ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, CrOHCl2। यहाँ पे बाकी मॉलिक्यूल सेम, बाकी मॉलिक्यूल सेम, समझिए बाकी मॉलिक्यूल सेम, CrOHCl2। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, समझिए ऑक्सीजन के ऊपर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, इसने इलेक्ट्रॉन लिए कार्बन से, इसने इलेक्ट्रॉन लिए कार्बन से, इसने इलेक्ट्रॉन लिए कार्बन से, अगर मैं ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, ये स्पीसीज निकल के बाहर, समझिए ये स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चल गई, पॉजिटिव चार्ज था इलेक्ट्रॉन लिया, मेरे पास क्या बाहर निकल गया, OHCrOHCl2। अब समझिए इस चीज़ को, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेके ये स्पीसीज जा चुकी है बाहर, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेके ये स्पीसीज जा चुकी है बाहर, समझिएगा, देखिए यहाँ तक बात क्लियर। अब कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया, कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया, कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, समझिए कार्बन के ऊपर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, इसको भी तो इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, ऑक्सीजन के लोन पेयर पे इलेक्ट्रॉन इसको भी तो दिखेंगे, ऑक्सीजन के लोन पेयर पे इसको भी इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। अगर ऑक्सीजन के लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, यहाँ से क्रोमियम से ऑक्सीजन लेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, तो मेरे पास ये स्पीसीज भी बाहर, मेरे पास क्या बची, CR पॉजिटिव OHCl2, ये स्पीसीज भी बाहर, Cl2 भी बाहर, बचा क्या, सिर्फ ऑक्सीजन से कार्बन इलेक्ट्रॉन लिए, मेरे पास सिंपली मेरा जो प्रोडक्ट है वो आ गया बेंजीन, कार्बन के पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये मेरे पास बेंजल्डिहाइड बन गई, बेंजल्डिहाइड बन गई, और जो CR पॉजिटिव है वो जाके जुड़ेगा OH के साथ, OH नेगेटिव जुड़ के बना देगा, तो मेरे पास ये दो मॉलिक्यूल निकलेंगे बाहर, प्लस मेरे पास बेंजल्डिहाइड। इस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म चलता है इटार्ड रिएक्शन का, इटार्ड रिएक्शन का ये पूरा मैकेनिज्म चलता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है बच्चों, अभी भी कोई भी डाउट है, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, 100% मैं आपके हर डाउट को सॉल्व करूँगा। थैंक यू।